ओम शांति। भक्त शिरोमणि मेरा के जीवन की कई सारी बातें कही गई है, वो कितनी सत्य है पता नहीं, पर उसके बचपन की एक घटना है। जब वो बहुत छोटी थी, लगभग 5 साल की, तो एक साधु उसके घर आया और वो साधु कृष्ण का भक्त था और उसके पास कृष्ण की एक मूर्ति थी। और जब वो पूजा को बैठता था तो अपनी झोली से वो मूर्ति निकालता था और मीरा ने वो मूर्ति देख ली और उसने हट किया कि मुझे ये मूर्ति चाहिए। उस साधु ने कहा, ये मूर्ति मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसके माँ बाप ने उस साधु से कहा, इसका जो भी मूल्य है हम आपको दे देंगे, पर यह मूर्ति इस बच्ची को दे दो। पर उस साधु ने कहा, ये मेरे आराध्य है, मैं इन्हें बेच नहीं सकता, चाहे आप कितना भी दाम दे दो। परंतु फिर भी मीरा नहीं मानती और वो साधु भी मूर्ति नहीं देता और वो साधु चला जाता है। और मीरा रोती है और कहती है कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक वो मूर्ति मुझे ना मिल जाए। वो साधु रात जब सोता है तो उसके स्वप्न में कृष्ण आते हैं और कहते हैं, ये मूर्ति जिसकी है उसको दे दो। वो कहता है, ये मूर्ति मेरी है, मैं क्यों दूं। कृष्ण उससे कहते हैं, तुम्हारा इस मूर्ति से संबंध औपचारिक है, परंतु मेरा और उस बच्ची का संबंध बहुत गहरा है और कई जन्मों का है, इसलिए तुरंत अभी अभी जाकर वो मूर्ति उस बच्ची को दे दो। तो वो भागा भागा जाता है और माफी मांगता है कि ये लो तुम्हारी मूर्ति, और मूर्ति देकर चला जाता है। कुछ दिनों पश्चात पड़ोस में किसी की शादी होती है तो मीरा भी वहां जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो रहा है। उसकी माँ कहती है, विवाह। वो कहती है, मेरा विवाह कब होगा। तो उसकी माँ हंसी में कहती है कि तुम्हारा विवाह तो हो चुका है, ये देखो इस मूर्ति को, इसी के साथ, इसी कृष्ण के साथ तुम्हारा विवाह हो गया। और बस ये बात वो हमेशा के लिए मान लेती है और तब से उसके जीवन में एक कृष्ण ही उसका पति होता है और कृष्ण के अतिरिक्त और किसे भी वो अपना पति मानने को स्वीकार नहीं करती। उसकी शादी भी हो जाती है परंतु पति उसका कृष्ण ही है, जीवन ही कृष्णमयी है। और उसका जो कृष्ण है वो गीता वाला कृष्ण नहीं है, उसका जो कृष्ण है वो सैद्धांतिक कृष्ण नहीं है, सिद्धांतों वाला, ज्ञान देने वाला कृष्ण नहीं है। उसका जो कृष्ण है वो प्रेमी है, उसका जो कृष्ण है वो रूप वाला है, उसका जो कृष्ण है वो रस वाला है और उसी की याद में और उसी के प्यार में जीवन भर चलती है, जीवन भर रहती है। और उसका एक बड़ा ही प्रसिद्ध गीत है जहाँ वो कहती है, केनु संग खेलू होली, पिया त्यज गए है अकेली, मैं अब किसके साथ होली खेलूं, मेरे जो पिया है मुझे अकेले छोड़कर चले गए हैं। माणिक मोती सब हम छोड़े, गले में पहनी
सेदी भोजन भवन भलो नहीं लागे, पिया कारण भैर अकेली मुझे दूरी क्यों मिली। शाम बिना जेड़ो मुरझाए जैसे जल बिना बेली, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो मैं तो जन्म जन्म की चेली, दर्श बिना खड़ी दुहेली। उसकी जो पुकार है, उसका जो प्यार है और उसके हृदय से जो प्रभु प्रेम की झनकार बजती है वो अद्भुत है। द्वापर से आत्माओं ने भगवान से बहुत प्रेम किया, परिचय नहीं था परंतु प्रभु से प्रेम जरूर था और ये सब आत्माएं शायद हम ही थी कि जिन्होंने जन्म जन्म उससे बहुत प्रेम किया। और वो अब आया है, किस तरह के भाव यहाँ प्रकट हुए हैं, जो वो कहती है कि मैं अकेली हूँ, अब मैं किसके साथ हो लिखे लूँ, वो मुझे छोड़ के चला गया है, किस तरह से उल्हाने हैं उसके। क्या ऐसा प्रेम अब भी हमारे हृदय में है उस परम प्रियतम के लिए जो कि अब आया है। जितना प्यार हमने तब उससे किया था, अब जब उसका वास्तविक परिचय मिल गया, अब जब ये पता चल गया वो कौन है, वो कैसा है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या बोलता है, कैसा उसका रूप है, क्या अब भी हमारे हृदय में ऐसा ही प्रभु प्रेम है, वही परमात्मा प्रेम की वीणा अब भी बजती है। तो लास्ट संडे की मुरली कौन किसको देख रहा था, होलीएस्ट है वो, उससे अधिक होली इस संसार में कुछ नहीं। कल रात अव्यक्त वाणी चली थी, बाबा ने ड्रिल कराई अंत में, मैं परमात्मा दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। उसका हृदय जो है, उसका जो दिल है बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, वो होलीएस्ट है और उसके हृदय पर वही निवास कर सकता है, उसका हृदयेश्वर वही बन सकता है जो संपूर्ण पावन है, प्योर है, पवित्र है। बाबा ने कहा ये ड्रिल अभ्यास करो, इस रूहानी नशे में स्थित हो जाओ। दो ड्रिल कराई थी, एक तो एकाग्रता की फुल स्टॉप और एक दूसरी मैं बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। उसके दिल को जीतना अर्थात उसने जो कुछ कहा है वो करना, तो ये संभव है। तो होलीएस्ट बाप किसको देख रहा है, होली हंसों से को देख रहा है और क्या मनाने आया है, होली डे मनाने आया है। पूरा संगम युग ही क्या है, होली डे है। संगम युग ही स्मृति का युग है, कलयुग विस्मृति का युग है वरदान। तो मुरली होली से संबंधित है और होली पर बहुत सारी मुरलियां चली हुई है। इस मुरली में कुछ कुछ बातें होली के विषय में बाबा ने कही है, परंतु हम आज की क्लास में होली के जितने कारण हैं और जितने संदर्भ हैं दुनिया में, और उन सभी संदर्भों का, उन सभी बातों का आध्यात्मिक होली के साथ क्या संबंध है,
उसकी चर्चा करेंगे। होली अर्थात कितने अर्थ है होली के, होली मनाने के कितने अर्थ है, आध्यात्मिक रहस्य कितने, कम से कम 12। सबसे पहला है होली अर्थात होली अर्थात प्यूरिटी, तो होली अर्थात पवित्रता। बाबा ने कहा होली के जितना भी त्योहार है उन सब का सार स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता। जब तक अपवित्रता को संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया है तब तक क्या, तब तक पवित्रता का रंग नहीं चढ़ सकता, तब तक संपूर्ण पवित्रता धारण भी नहीं हो सकती। तो होली का सबसे पहला अर्थ है शब्दशः उधर HOLI इधर HOLY, तो होली अर्थात क्या बनना, पवित्र बनना। होली अर्थात फिर से अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा को दोहराना, याद करना, रिवाइज करना, क्योंकि जब तक पवित्रता नहीं तब तक जीवन में कोई भी रंग नहीं भरा जा सकता। पवित्रता ही सर्व समस्याओं का समाधान है। कल कहा था बाबा ने, बाप दादा की एक आश कौन सी है, समस्या को कारण को निवारण करो। ये होमवर्क दिया था शायद किसी और मुरली में, मुरली थी 2 मार्च 2008 की जो कल रात चली, 2008 की जो मुरली चली 2 मार्च 2008 अप्रैल की 4th month ओके अप्रैल की, तो उसमें भी बाबा ने ये बात कही कि बाप दादा की आश क्या है, कारण को निवारण करो, ये है होमवर्क, कारण नहीं दो। तो होली त्योहार का सबसे पहला अर्थ है होली अर्थात पवित्र, संपूर्ण प्यूरिटी HOLY, ये सबसे पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है सरेंडर, समर्पण, बाप की होली। बाबा ने शब्दशः अर्थ निकाले हैं, ऐसे अर्थ किसी और साहित्य में नहीं मिलेंगे। भगवान का हो जाना, उस पर फिदा हो जाना, उसके प्रति जीवन को समर्पित कर देना अर्थात होली मनाना। तो होली का दूसरा अर्थ है समर्पण। संसार के लोग जिस ढंग से होली मनाते हैं उसमें समर्पण का कोई संबंध नहीं है, वो केवल एक सेलिब्रेशन है बस, और क्यों मनाते हैं वो भी उन्हें पता नहीं। इसी मुरली में बाबा ने कहा तुम्हारे जीवन की जो कहानियां हैं वही कहानियां उन्होंने कॉपी की है, जन्म दिवस, राज दिवस, राखी, होली, सब कुछ यहां की कहानियां उधर ले ली है उन्होंने, और ये तुम अब देखते हो जो याद में है उनका यादगार बनता है। जो चित्र अब तुम देखते हो, जैसे महात्मा गांधी जी का उदाहरण दिया, वो अपनी फिल्म देखता है पर उसे पता नहीं कि वो देख रहा है, पर तुम याद सहित ज्ञान सहित ये जानते हो कि ये सब हमारे यादगार है, ये सब हमारे चित्र है। तो होली का दूसरा अर्थ है समर्पण। होली का तीसरा अर्थ है विजय। संसार में होली मनाने का एक कारण ये भी है कि बुराई पर अच्छाई की विजय। तो यहां भी हम कौन है, विजयी आत्माएं हैं, हमें भी विजय प्राप्त करना है सभी विकारों के ऊपर।
कौन कौन सी विजय प्राप्त करनी है? ब्राह्मण आत्माओं को कौन सी विजय प्राप्त करनी है? एक विकारों पर, दूसरा पांच तत्वों पर, तीसरा इंद्रियों पर, अपने जो इंद्रिय है उनके ऊपर, चौथा पुराने संस्कार या फिर क्या कहेंगे अपनी कमजोरियों पर, उसके बाद में पांचवा संसार की आत्माओं के हृदय पर, आत्माओं के दिलों को जीतना है। क्या करना है? आत्माओं के दिलों को जीतना है। उसके बाद में विजय प्राप्त करनी है छठवा भगवान के हृदय पर, भगवान को जीतना है। और भी कोई विजय है? और भी कोई विजय? सब आत्माओं के हृदय पर तो जीतना। हमारी विजय बड़ी सूक्ष्म है। तो होली त्योहार है विजय का। उसके बाद में चौथा फीस्टिंग, फीस्टिंग अर्थात भोज। संसार में होली मनाने का एक लक्ष्य ये भी है, खान पान भोज। क्या खाते हैं? पूरन पूरी। और क्या खाते हैं? आम्र मिश्री। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग व्यंजन बनाते हैं। और यहाँ पर भी घेवर, घेवर, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग चीजें बनाई जाती है। यहाँ पर हम क्या खाते हैं? हम क्या खाते हैं? ज्ञान का भोजन। ज्ञान के अलग अलग व्यंजन, ज्ञान को भोजन के रूप में स्वीकार करना। ज्ञान फूड है, ज्ञान भोजन है। और उसका एक ही तरीके से नहीं, अलग अलग विधि से उसको खाना, अलग अलग विधि से उसको स्वीकार करना, ताकि एक ही एक खाए तो क्या हो जाता है? बोर हो जाता है। कभी मुरली को इस ढंग से देखना कि ये मुरली साजन पत्र लिख रहा है, कभी ये मुरली पिता कह रहा है, कभी ये मुरली भाई कह रहा है, कभी ये मुरली टीचर, कोई जादूगर, कोई सौदागर, कभी ये मुरली वॉचमैन, पहरेदार, बॉडीगार्ड, कभी ये मुरली डॉक्टर, फिजिशियन। उस रूप में उसको देखना, अलग अलग संबंधों से। तो होली का एक अर्थ जो बताया गया है वो है फीस्टिंग अर्थात भोज। अगला अर्थ है न्यूनेस, नवीनता। होली त्योहार है, अब तक जो पुराना था वो सब समाप्त और नए की शुरुआत। अब तक संबंधों में कड़वाहट थी वो सब भूल जाओ और नए संबंध निर्माण करो। रिश्तों में जो दरारें थी, तकदीर में जो दरारें थी, उनकी मरम्मत करनी है। संबंधों में जो कड़वाहट है उसको ठीक ठाक करना है। जब तक ये ठीक ना हो तब तक होली नहीं। जब तक रिलेशनशिप से रिपेयर ना हो जाए तब तक होली नहीं। तो क्या करेंगे इसके लिए? संबंध ठीक हो जाए क्या करेंगे? आपस में बैठ के खाएंगे पिएंगे और क्या करेंगे? झगड़ा ही हो गया किसी से तो क्या करेंगे? शुभ भावना रखेंगे, माफी मांग लेंगे और क्या करेंगे? स्वीकार करना, वो व्यक्ति जैसा है वैसे उसे स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, जो भी डैमेज हुआ है। डैमेज का एक मुख्य कारण है बोल,
और बोल में भी टोन, किस ढंग से को बोले गए थे शब्द जो कि हृदय को चीर गए और दो आत्माएं जो एक साथ थी अलग हो गई, दरारें पड़ गई संबंधों में। इन्हीं दरारों को ठीक करने की एक ठीक करने का अवसर होली है। तो होली का एक अर्थ है ये भी है कि जो कुछ कड़वाहट है वो सब भूल जाओ और अब फिर से एक हो जाओ। इसी मुरली में बाबा ने कहा भाई भाई सब एक साथ एक परिवार के है, ये है होली। ये होली का एक अर्थ। होली का दूसरा एक अर्थ है सिख धर्मों में क्या कहते हैं इसको, होला मोहल्ला। होला मोहल्ला सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने ये प्रथा चालू की थी आनंद साहिब में प्रदर्शन करना। उन्होंने होली जो स्त्री है उसको मेल बना दिया। इसका अर्थ होता है शौर्य, इसका अर्थ होता है साहस का प्रदर्शन। तो होली का एक अर्थ ये भी है कि जितने आपके अस्त्र शस्त्र है वो सब पहनकर वो लोग निकलते हैं रास्ते से प्रदर्शन करने के लिए कि हम साहसी है। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र धारण करना, योग के अस्त्र शस्त्र धारण करना अर्थात होली मनाना। तो होली का एक अर्थ ये भी है सिख धर्म के हिसाब से। उसके बाद में होली का एक अर्थ है एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, मौज, मौज करना, नाचना, झूमना, गाना, आनंद मनाना। उधर अलग अलग तरीकों से करते हैं, यहां पर भी हमारा जो नाचना है वो ज्ञान की डांस है। उस तरह से नाचना, मनाना, गाना। उसके बाद में होली का एक अर्थ है रंग, रंग। और यहां किसके रंग में रंगना है, वहां एक दूसरे को रंगाते हैं, यहां किसके रंग में रंगना है, प्रभु प्रेम के रंग में रंगना है, खुशी के रंग में रंगना है, आनंद के रंग में रंगना है, वैराग्य के रंग में रंगना है, परमात्मा प्राप्तियों के रंग में स्वयं को रंगना है। उधर धुलंडी, धूलि वंदन अलग अलग नाम दिए गए। यहां जो है होली अर्थात रंग, उस रंग में स्वयं रंग जाना। और कल की जो वाणी थी उसमें कहा था कभी कभी और थोड़ा थोड़ा, इस शब्द को हटा दो। कहां से? डिक्शनरी से। कभी कभी नहीं आना चाहिए और थोड़ा थोड़ा नहीं आना चाहिए। सदा शब्द बाबा को प्रिय और पूरा ये शब्द प्रिय है। वरदान सबको समान दिया गया फिर भी लेने वालों में नंबरवार, क्योंकि कभी कभी और थोड़ा थोड़ा, इसके लिए वरदान क्या है, बीज है, इसको फलीभूत करने के लिए क्या करो, कार्य में लगाओ, समय पर कार्य में लगाना है। कल की व्यक्तवाणी थी ना रात की। तो होली का एक अर्थ क्या है, रंग। होली का अगला अर्थ है स्प्रिंग, वसंत ऋतु का आगमन। ठंडी समाप्त हुई और अब वसंत ऋतु आ रहा है, आ गया है। ये भी होली का एक अर्थ है। किसानों का भी दिखाया है हार्वेस्ट, बहुत सारी चीजें उनके लिए बहुत अच्छा त्योहार है ये, क्योंकि अभी ठंड पूरी हो गई आज से और अभी वसंत ऋतु का आगमन है, बहार का आगमन है। हमारे जीवन में भी पुरुषार्थ में जो ठंडापन था आज से समाप्त, और क्या करना है, वसंत आ जाए पुरुषार्थ में, वसंत पुरुषार्थ में बहार आ जाए, फिर कभी कभी, फिर थोड़ा थोड़ा ना हो, संतुष्ट मणियां हो। ऊंचे ऊंचे टाइटल्स दिए है बाबा ने, वो अपने सारी सारे स्वमानों को जागृत करना है। तुम कौन हो, टाइटल क्या है तुम्हारा, कर्तव्य क्या है तुम्हारा, और संघ कौन है तुम्हारे। विश्व परिवर्तक टाइटल है, विश्व परिवर्तन तुम्हारा कर्तव्य है और बाप तुम्हारे संघ है। कल रात में बोला ये सारे स्वमानों से स्वयं को जगाना है। बहुत सो लिया,
बहुत आराम कर लिया, अभी जागने का समय। तो उसके बाद में होलिका ही करते हैं, होलिका दहन, बॉनफायर। क्या करते हैं? छोटी होली। क्या करते हैं? जलाते हैं। हमें किसको जलाना है? पाप को, विकर्म को, पुराने संस्कार को, कड़वाहटों को, नेगेटिविटी को, अंदर जो हीन भावनाएं हैं, कटु भावनाएं हैं, उन सभी भावनाओं का शुद्धिकरण, जला दो उनको। ये जलाना अर्थात ही होली मनाना। जब तक ये होली नहीं मनाई तब तक होली नहीं मनाई। वो होली में तो बहुत सारा नुकसान भी होता है। एक एक होली में कितना लकड़ी लगती है? 100 किलो, 100 किलो से भी ज्यादा। तो उसमें तो नुकसान भी है, पर ये जो होली है ये है अंदर से सब कुछ साफ करना। उसके बाद में कहीं कहीं होली होती है जिसको कहते हैं लठ मार होली। क्या करते हैं उसमें? लकड़ी से मारते हैं, पिटाई करते हैं स्त्रियां ब्रज में, बीटिंग। वो भी एक होली है। यहाँ किसकी धुलाई करनी है? माया की। लकड़ी से अच्छी धुलाई करनी है ताकि वो आए नहीं। ढूंढना है वो कौन से कारण है जहां मैं कमजोर हो जाता हूं, वो कौन सी सूक्ष्म माया है जो अब भी आते रहती है, और क्यों आती है, और कैसे आती है, और किस कारण से आती है। वो भी एक होली का अर्थ है। और एक होली का अर्थ है दही हंडी, कुछ कुछ जगह पर ये भी होता है। तो ये सारे संसार में इस तरह से होली मनाई जाती है। और उनका इधर क्या क्या अर्थ है? कारणों में बहुत सारे कारण दिखाते हैं। एक तो कारण जो दिखाया वो प्रह्लाद का, दूसरा जो कारण दिखाया है पूतना का, और तीसरा जो कारण दिखाया है वो किसका? भस्म करते थे शंकर जी। किसको? भस्मासुर। उस कामदेव को। ये भी होली का यादगार है। कितनी आश्चर्य की बात है कि संसार में कितने सारे त्योहार और कब से वो चले आ रहे, पर वास्तविक अर्थ कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा सब कुछ यहां से निकला, तुम्हारी जीवन कहानी से ये सारी कहानियां बनी है। तुम उत्सव में रहते हो तुम उत्साह में रहते हो वो उत्सव मनाते हो उसका यादगार, तुम याद में रहते हो तुम्हारा यादगार बनता है। ये सारी बातें हैं उसमें। तो जब भी कोई भी त्योहार आए उसके आध्यात्मिक अर्थ ढूंढने हैं, वो क्यों मनाए जाते हैं, किस लिए मनाए जाते हैं और कब से मनाए जा रहे, किसी को कुछ पता नहीं। उनका आध्यात्मिक अर्थ जोड़ना है, ये भी स्व सेवा और विश्व सेवा का एक माध्यम है। तो फिर से मुरली की तरफ आते हैं। कौन किसको देख रहा था? होलीएस्ट फादर, होलीएस्ट बाप, होली हंसों को देख रहा था। और ये क्या है? होली डे है। और जब तक संपूर्ण पवित्रता नहीं तब तक होली नहीं। सारे ब्राह्मण जीवन का आधार प्यूरिटी है। जब प्यूरिटी में हलचल होगी तब तक संपूर्ण ब्राह्मण जीवन हिलेगा। इसलिए बार बार, कई बार बुद्धि को श्रेष्ठ स्वमानों से भरना है, प्यूरिटी की शक्ति से भरना है। योग में नित्य नए प्रयोग करने हैं प्यूरिटी के। वो पवित्रता का सागर है, उससे संपूर्ण पवित्रता मुझ आत्मा में आ रही है।
और उस दिन भी संकल्प दिया था, दो शक्तिशाली संकल्प अपनी डायरी में नोट करके रखने हैं, मुझे इस संसार के हर कण को पावन बनाना है, कण कण को पावन बनाना है। इतना बड़ा कार्य करना है तो कितनी अधिक प्योरिटी चाहिए। और दूसरा, मुझे इस संसार की हर एक आत्मा को पवित्र बनाना है। कितनी पावर चाहिए इन दो कार्यों के लिए। एक चैतन्य है, एक जड़ है, दोनों को पावन बनाना है अपनी शक्ति से। तो उसके लिए उस पवित्रता के सागर से निरंतर जुड़ा रहना होगा, निरंतर उसके साथ रहना होगा, तो ये काम हो सकता है। तो एक तो बाबा ने ये बात कही, रंग की बात कही, बीच में चित्रों की बात कही, बीच में मूड की भी बात कही। तुम्हारा मूड कैसा होना चाहिए? होली मूड। मूड कैसा होना चाहिए? हैप्पी मूड। मूड कैसा होना चाहिए? लाइट मूड, हल्कापन, उसमें कोई भारीपन ना हो। और जो भी भारीपन है उसका कारण हम स्वयं है। भारी वो होता है जो बंधन में है, भारी वो होता है जिसके पैरों में बेड़िया है, भारी वो होता है जो बोझ लिए चल रहा है। बाबा कह रहे लाइट मूड, ये भी होली का एक अर्थ आ गया। होली जो हमने पहली बात कही थी, होली, तो होली मूड, लाइट मूड, ये भी होली है। एक यूनान की बहुत प्रसिद्ध बात है, यूनान में कभी आक्रमण हुआ और जो आक्रांता थे उन्होंने जितने प्रतिष्ठित लोग थे सबको बंदी बना लिया और एक कड़ी से कड़ी सजा देने की सोची। सबके हाथों में और पैरों में बेड़िया डाल दी और राज्य तो जीत चुके थे, अब इनका क्या काम? इनका सारा धन माल लूट लिया और ये जितने लोग थे ऐसे 100 लोगों को उन्होंने पकड़ा, सबके हाथ में बेड़िया और सलाखे डाल दी और उनको आदेश दिया गया कि इनको जंगल में फिकवा दो ताकि जानवर खा जाए। तो सब दुखी होने लगे, वो सारे प्रतिष्ठित लोग थे इतने उदास होने लगे, दुखी होने लगे, पर उनमें से एक था जो बड़ा खुश हो रहा था और वो था एक लुहार। और वो सबसे कहने लगा आप चिंता मत करो, मेरे पास ऐसी कला है, कैसी भी बेड़िया हो, कैसी भी सलाखे हो, कैसी भी हथकड़िया हो, मैं अपनी कला से खोल दूंगा, अपनी भी खोलूंगा और बाद में आप सबको खोल दूंगा, आप बस इनको जाने दो। तो वो सैनिक उनको फेंक देते हैं और सैनिक चले जाते हैं। तो सब लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि ये हमारी अब मदद कर देगा, ये जब तक है हम खुल जाएंगे, हम भाग जाएंगे यहां से। परंतु जब वो सैनिक चले जाते हैं तो देखते हैं ये लुहार तो रो रहा है। वो पूछते हैं आप क्यों रो रहे हो? आपके भरोसे में तो हम हैं कि आप अपनी बेड़िया पहले खोलोगे फिर हमारी बेड़िया खोलोगे। वो कहता है मैं रो इसलिए रहा हूं कि ये बेड़िया मैंने खुद बनाई है और मैं ऐसी बेड़िया बनाता हूं कि कोई नहीं खोल सकता, उसे मैं भी नहीं खोल सकता, और इन बेड़ियों पर मेरे हस्ताक्षर है, ये जो चेन्स है, मैं कब जब भी बेड़िया बनाता हूं अपना नाम जरूर लिखता हूं, और अब तो ये बेड़िया तो मैंने ही बनाई है और मैंने जो बेड़िया बनाई है वो दूसरा कोई खोल नहीं सकता, जो बंधन मैंने निर्माण किए हैं वो दूसरा कोई भी उन बंधनों से मुझे छुड़ा नहीं सकता। और जो भी बंधन है वो किसने बनाए हैं? मैंने ही बनाए हैं। और ये बंधन, ये बेड़िया, ये सलाखे ही कारण है इस बोझ का। और जब तक बोझ है तब तक लाइट मूड, हैप्पी मूड, होली मूड कहां से आएगा? परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। और वास्तव में देखा जाए तो हमारे जीवन में जो बंधन है किसी और व्यक्ति की वजह से है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में बंधन नहीं है, सारे बंधन मानसिक है, सारे बंधन निज है, सारे बंधन स्वयं के है। और हमने ही बहुत जतन से बंधनों का निर्माण किया है,
और उनकी पालना भी कर रहे हैं और उनसे छूटना भी चाहते हैं एक तरफ, पर अंदर से हम ही पकड़े हुए हैं, क्योंकि बंधनों से प्यार भी तो कितना है। लोहे की बेड़िया थी, घृणा आ गई, निकाल के फेंक दी, पर अब सोने की है और जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, कैसे निकालेगा कोई? सोचेगा ये काम आएगी ना बाद में, क्यों फेंक दूं, कभी काम आ गई तो? मैं नहीं निकाल सकता, मुझे अच्छे लगते हैं ये, पर अंदर से बाहर से चिल्ला रहे मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ, पर अंदर से अच्छा लगता है, छोड़ो तो छूटे। मुरली चली थी कभी, हैप्पी मूड, होली मूड, लाइट मूड। अब एक चीज है लाइटनेस, लाइटनेस अर्थात हल्कापन, हर चीज को हल्के से लेना। जो अभी अभी कहा ना, जो प्रस जो आत्माएं संतुष्ट मणि है, कितनी भी परिस्थिति अवार करे उनको क्या लगेगा? वो कल की मुरली, रात की कार्टून शो, उनका जीवन कैसा होगा? सुखमय, अतीन्द्रिय और सुखमय, अतीन्द्रिय और मनोरंजन का जीवन होगा। संतुष्ट मणिया अर्थात स्व से प्रिय, बाप को प्रिय और परिवार को प्रिय। संतुष्ट मणिया अर्थात जहां प्राप्ति है वहां संतुष्टता है। संतुष्ट मणिया अर्थात संतुष्टता दूसरी शक्तियों को भी आह्वान करती है। संतुष्टता अर्थात वायुमंडल में भी संतुष्टता का वाइब्रेशंस फैलाती है, परिस्थितियों से वार नहीं होता, हर्षित रहते हैं, हर्षित मुख रहते हैं। और लास्ट सात बातें थी संतुष्टता की, शुरुआत ही वहां से की कल की मुरली बाबा ने। जीवन कैसा होगा? सुखमय, अतीन्द्रिय, तो परिस्थितियां वार नहीं करेगी। हैप्पी मूड, लाइट मूड, कितनी भी चीजें आ रही है अंदर हलचल नहीं, अंदर बाहर से कर रहे उसको सॉल्व करने का प्रयत्न कर रहे, परंतु पता है अंदर से ये कार्टून शो है, मिकी माउस, टॉम एंड जेरी, और कौन, मिकी माउस का खेल चल रहा है। अप्रभावित, ये एक होली का अर्थ है। तो स्वयं को लाइट रखना साधना एक, और भारी हो जाना स्वभाव बन गया है। हर चीज भारी करती है जिसको भारी होना है, हर चीज उसको भारी कर देती है। किसी ने कुछ कहा, भारी, किसी ने गलत व्यवहार किया, भारी, किसी की बातों को पकड़ के रखना, लंबा समय तक अंदर रखना और फिर समय आने पर बाहर निकालना, ऐसी आत्मा कभी लाइट नहीं रह सकती। बाबा तो कहते हैं डबल लाइट, सब कुछ हल्का हो, मन पर कोई बोझ नहीं, ऐसी हल्की अवस्था का नाम लाइट मूड है। तो एक तो मूड के विषय में कहा, चित्रों के विषय में कहा, फिर उसके बाद में और क्या कहा, अव्यक्तवाणी में, संडे की अव्यक्तवाणी, अविनाशी प्राप्तियां और रंग लगाना, इस पर हम चर्चा करेंगे, कौन सा रंग आत्मा को लगाना है, कौन सा रंग लगाना है, प्रभु प्रेम का रंग और ज्ञान का रंग और शुभ संकल्पों का रंग और सबसे महत्वपूर्ण रंग है प्यूरिटी का रंग और खुशी का रंग। और बाबा ने एक पिचकारी का भी वर्णन किया है, कौन सी पिचकारी थी वो, बुद्धि, दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी से रंग डालना है, तो बुद्धि को दिव्य बनाना है, बुद्धि को लौकिक नहीं अलौकिक बनाना है। लौकिक बुद्धि जो होती है वो संसार के विषय में सोचती है, अलौकिक बुद्धि है वो परमात्मा के विषय में सोचती है। निरंतर ध्यान उसका रहे, जैसे शुरुआत में कहा, उस मीरा ने बचपन से ही ये मान लिया कि यही मेरा पति है और उसी के रंग में रंग गई, जीवन भर जीवन ही उसको दे दिया,
उसने कभी इस तरह के संसार के शास्त्र के पीछे वो पड़ी नहीं, बस परमात्मा प्रेम में ही वो डूबी रही और उसकी स्थिति तथाकथित साधु संतों से बहुत ऊंची थी जिन्होंने शास्त्र भी पढ़े थे। क्यों? केवल एक ही आधार था उसकी स्थिति का, प्रभु प्रेम। तो इस परमात्मा प्रेम के रंग से स्वयं को रंगना है। और बुद्धि को कैसे बना देना है? दिव्य बुद्धि। बाबा ने कहा ये पिचकारी है, होली मनाना अर्थात होली बनना और होली बनाना, वो केवल मनाते हैं, तुम बनते हो। इस पिचकारी से रंग लगाना है एक दूसरे पर। और सबसे बड़ी यदि सेवा कोई है तो किसी आत्मा में प्यूरिटी का बीज डाल देना। सबसे बड़ी सेवा यदि कोई है तो हमें देखकर उसको लगे कि इनके जैसा हमको भी पवित्र बनना है। सबसे बड़ी सेवा यदि कोई है तो चलन इतनी प्योर हो जिसमें जरा भी वासनात्मक भावनाएं ना हो, चलन ना हो। चाहे कोई भी हो संपर्क में आए, उसे लगे कि ये आत्माएं कुछ और है, इनमें दिव्यता है, इनमें अलौकिकता है। जैसी हमारी जितनी भी ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं उनको देखते ही प्यूरिटी का आभास होता है। क्यों? क्योंकि वो पावर उनमें है। जितनी भी विश्व भर में सभी में संसार के लोगों से उनकी अगर तुलना की जाए वो प्यूरिटी की खींच है वहां पर। तो ऐसी प्यूरिटी, तो बुद्धि को क्या करना है? दिव्य बना देना है। और दिव्य कैसे बनाएंगे बुद्धि को? क्या करेंगे जिससे बुद्धि दिव्य बन जाए? सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कल की मुरली में भी कहा था बाबा ने, वरदान तो तुमको बहुत मिल गए, वरदान तुमको याद है, वरदानों का वर्णन करते हो, वरदान नोट करके हो, परंतु क्या नहीं किया? कार्य में नहीं लगाया। और कार्य में लगाने के लिए एक बीज की कड़ी है, वो है विचार सागर मंथन। जब तक ज्ञान का मंथन ना हो वो बल नहीं बनता। चाहे किसी ने कितनी भी पढ़ाई की हो, कितनी बार भी मुरलियों को पढ़ा हो, 50 बार एक मुरली पढ़ी हो, परंतु यदि उस मुरली का चिंतन नहीं तो उस मुरली से बल भी नहीं मिलेगा। इसके लिए मुरली के शब्द शब्द का चिंतन, मनन, अध्ययन, गहराई में जाना, कुछ ऐसी बातों को पकड़ लेना और फिर उनका चिंतन करना और टॉपिक्स निकालना। जैसे एक टॉपिक अभी दे दिया, कभी कभी थोड़ा थोड़ा। दूसरी जगह बाबा ने कहा अचानक की सीजन या मौसम, घंटी, ये दूसरा टॉपिक लो और लिखो उसके ऊपर, ताकि बुद्धि चले, ताकि चिंतन चले। खाली मुरली कल रात की सबने सुनी, पर हमने किया क्या उसका? संतुष्ट मणि के बारे में कहा, एवर रेडी के बारे में कहा, बाप की आश के बारे में कहा, वरदान के बारे में कहा, ड्रिल के बारे में कहा, अकेला नहीं रहना उसके बारे में कहा, अनुभव की अथॉरिटी के बारे में कहा, फर्स्ट टाइमर वालों से माया के गेट को बंद करने के लिए कहा, पंजाब वालों से स्वपरिवर्तन की कलम से प्रत्यक्षता के क्या प्रत्यक्षता की डेट को फिक्स करने के लिए कहा, पंजाब ग्रुप शेर और पंजाब ग्रुप से कहा ब्राह्मणों की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है। इतनी छोटी सी बात पर उसमें कितने गहरे अर्थ समाये हुए है। विदेशियों से क्या कहा, फर्स्ट टाइमर से क्या कहा, कितनी उसमें सूक्ष्म बातें समाई हुई है। तो जो भी मुरली है उसमें से टॉपिक्स निकालना, एक एकांत में जाना, मौन में जाना, और उन पर क्या करना? सोचना, और हो सके तो लिखना भी। जब तक ये कार्य नहीं होगा उस मुरली को हम अपना नहीं बना सकेंगे। वो मुरली हमारी बन जाए, अपनी बन जाए, पर्सनलाइज हो जाए। इसके लिए बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि की पिचकारी से। तो बुद्धि को यदि दिव्य बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? विचार सागर मंथन। दूसरी चीज अध्ययन, अध्ययन को बढ़ाना पड़ेगा।
यज्ञ की ढेर सारी किताबें हैं, जगदीश भाई जी की लिखी हुई बहुत सारी किताबें, हमने ये देखा है कि कई आत्माओं का पढ़ना बंद हो चुका है, मुरली के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं पढ़ते। मुरली के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़ते। यज्ञ की मैगजीन से आत्माओं के अनुभव है, ज्ञानामृत है, प्यूरिटी है, वर्ल्ड रिन्यूअल है, छोटी छोटी किताबें हैं, स्पार्क की किताबें हैं, कितनी सारी बातें, अव्यक्त वाणियां हैं, इतनी सारी अव्यक्त वाणियां हैं कि हमारी हो गई पढ़ के। साकार मुरली तो ठीक है एक दिन की, ये साकार मुरली, परंतु अव्यक्त वाणियों में भंडार है छिपा ज्ञान का, जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक ये बुद्धि दिव्य नहीं बनेगी, पिचकारी से दूसरों को रंग नहीं लगा सकेंगे। बाबा ने ये मुरली में ये भी कहा, आजकल साधन ऐसे निकले हैं कि 5 साल का बच्चा भी क्या हो गया है, विकारी, ऐसा कलयुग के प्रभाव है यहाँ पर, इतना विकारी और गंदा वायुमंडल है सब जगह, 1-5 साल का बच्चा छोटा सा वो विकारी बन चुका है, क्योंकि जो वो देखेगा वो करेगा, जो वो सुनेगा वो करेगा। जन्म से ही मोबाइल में एक्सपर्ट है, और जितना बच्चा शार्प होगा वो विकारों को भी उतना ही तेजी से ग्रहण कर लेता है, जो अच्छी बातों को फास्ट ग्रहण करता है बुरे को भी उतना ही फास्ट ग्रहण कर लेता है। इसके लिए ऐसे कलयुगी वायुमंडल में जहां बाबा कह रहे हैं कि 5 साल का बच्चा भी नहीं छूट पाता है, तो बड़ों की क्या बात। इसलिए बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए सबसे पहली बात बताई, विचार सागर मंथन, दूसरा अध्ययन, तीसरा चर्चा। क्या हमने ज्ञान की चर्चा करना बंद कर दिया है? कभी करते थे, अब करते ही नहीं। चर्चा करना अर्थात भाषण सुनना नहीं, चर्चा अर्थात क्लास सुनना नहीं, चर्चा करना अर्थात भाषण देना भी नहीं, चर्चा करना अर्थात ग्रुप में बैठना और डिस्कशन करना कि ये जो बाबा ने मुरली में कहा संतुष्ट मणि के लिए कहा, असंतुष्ट मणियां क्या होती है, फिर इसका चिंतन करना, पूछना, डिस्कस करना, लेन देन हो ज्ञान की, जैसे संसार की बातों की लेन देन होती है ज्ञान की लेन देन हो, तब कहीं जाकर हमारा निश्चय पक्का होगा। नहीं तो हमारा ज्ञान को सुनना केवल नेमिनाथ जैसा, जैसे वो कह रहा है वैसे हम मान रहे हैं परंतु अंदर नहीं जा रहे हो। तो क्या करना पड़ेगा बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए? चर्चा। अगला और क्या करना पड़ेगा? विचार सागर मंथन, अध्ययन, चर्चा और स्पिरिचुअल एक्टिविटी और अनुभव की अथॉरिटी और बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए क्या करें? बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए ज्ञान की लेन देन अर्थात ही चर्चा। बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए क्या करें? योग। योग के चार्ट को बढ़ाना है। क्या करना है? योग के चार्ट को बढ़ाना है। आज की मुरली में योगी और भोगी सुबह आए ना, शुरुआत कहां से थी? योगी किसको कहेंगे? जो आत्मा समझकर बाप को याद करता है उसे योगी कहेंगे। बाबा ने कहा योगियों के भी प्रकार है, भोगियों के भी प्रकार है। तो भोगियों के कौन से प्रकार है? तो योग से ही आत्मा बुद्धि दिव्य बनेगी। इसलिए 2 टाइम ऑफिशियल टाइम्स है, अमृत वेला और नुमाशाम, इन दोनों टाइम के योग को पावरफुल बना देना है। और योग अर्थात विचार सागर मंथन नहीं, योग अर्थात कोई टॉपिक का चिंतन नहीं, योग अर्थात किसी सेवा का चिंतन नहीं, वो सब
तैयारियां है, पर योग अर्थात प्योर योग केवल आत्मा और परमधाम या सूक्ष्म वतन बाप से बातों से भी धीरे धीरे अशरीरी अवस्था। जितना लंबा समय हम उस अवस्था में रहेंगे वही योग की शक्ति जमा होगी। तो जब तक योग नहीं आत्मा बुद्धि दिव्य नहीं बन सकती। तो बुद्धि को दिव्य बनाना, इस दिव्य बुद्धि की पिचकारी से रंग चढ़ाना है दूसरी आत्माओं को। तो होली के ढेर सारे अर्थ है, कोई एक ही अर्थ नहीं है। वो जलाना भी हो सकता है तो रंग लगाना भी हो सकता है, और जो खाना पीना झूमना गाना वो सारे भी अर्थ है। तो सारे अर्थों को समझकर उसे कार्य में लाना। ऐसे कैसे कैसे बच्चों को, ऐसे होली हंस बच्चों को, ऐसे संतुष्ट मणि आत्माओं को, ऐसे वरदान को कार्य में लाने वाली आत्माओं को, ऐसे वरदान रूपी बीज को फलीभूत करने वाली आत्माओं को, ऐसे होली मूड हैप्पी मूड लाइट मूड वाली आत्माओं को, ऐसे विश्व परिवर्तक आत्माओं को, ऐसे बाप की आश को पूर्ण करने वाली आत्माओं को, ऐसे अनुभवी मूर्त आत्माओं को, ऐसे सारी मुरलियों को जोड़ दो इधर उधर से योगी आत्माओं को, ऐसे सच्चे योगी आत्माओं को, ऐसे परमात्मा प्यार के रंग में रंगने वाली आत्माओं को, ऐसे दिव्य बुद्धि की पिचकारी से दूसरों को रंग लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे पुण्य कर्म करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे माया का गेट हमेशा के लिए बंद करने वाली आत्माओं को, ऐसे अकेला नहीं बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली आत्माओं को। विदेशियों के लिए बाबा ने कहा ना कंबाइंड, उनको अकेलापन लगता है तो बाप को कंबाइंड बना दो। ऐसी ऐसी अमर भव का वरदान लेने वाली आत्माओं को और दूसरों को अमर बनाने वाली आत्माओं को, फर्स्ट टाइमर्स, ऐसे ऐसे दृढ़ता से सफलता, दृढ़ता सफलता की चाबी है, दृढ़ता से सफलता प्राप्त करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद